मैं यूट्यूब चैनल UPSLR EGTEC पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जेंडर इक्विटी के अंतर्गत सभी जनपदों और विकास खंडों में DRG और BRG के गठन और क्रियान्वयन के संबंध में एक दिशा निर्देश आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या है ये निदेशालय द्वारा है बेसिक शिक्षा के, और हम देखते हैं क्या करना है, क्या है, क्यों है और किस लिए है। यही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। वैसे तो आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि कोरोना जिस तरह फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर भी हम लोग को जानना चाहिए क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये आदेश आया हुआ है 4 का है, ठीक है। आजकल आदेशों में डेट को काट दिया जाता है। तो चलिए क्या है, जेंडर इक्विटी के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के प्रभावी अनुसरण है DRG BRG के गठित किए जाने के संबंध में एक आदेश आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो मिशन शक्ति है, महिलाओं के लिए क्या है, सम्मान और स्वावलंबन, और 4 अगस्त 2021 द्वारा महिलाओं के लिए आई, 4 अगस्त 2021 को आया था, स्वच्छ सम्मान स्वावलंबन क्रियान्वयन के दिशा निर्देश प्रेरित किए गए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का प्रशिक्षण वाला सिस्टम था, 1 अक्टूबर 2021 को आत्मरक्षा प्रशिक्षण चल रहे थे, उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्याओं के लिए था। मुझमें है दम नहीं किसी से कम जो है, ये 10 दिसंबर 2021 द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्वच्छा प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकियों का आधारित विद्यालय में संकुल स्तर पर मुझमें है दम नहीं किसी से कम प्रतियोगिता के लिए बजट जो है की बात की गई थी, बजट दिए गए थे। और फिर ये आ जाता है आपका जेंडर इक्विटी के अंतर्गत नारी शिक्षा चौपाल का सालों का आयोजन के संबंध में चीज आई है। तो मेन चीज़ देख लेते हैं कि डेट 23 दिसंबर 2021 द्वारा जेंडर इक्विटी के अंतर्गत वित्तीय 21-22 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के संबंध में बजट और दिशा निर्देश जो है प्रेषित किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं हम लोग। जिला स्तर पर जिला रिस्पांस टीम, जिसको कहेंगे DRG, डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस ग्रुप जिसको कह रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें नहीं, 22 जुलाई 2015 के प्रश्न, ये 26 जुलाई 2019, इससे हमसे मतलब नहीं है, मेन बात पर बात करते हैं। जेंडर इक्विटी प्रत्येक जनपद स्तर पर, जनपद में स्तर पर जेंडर इक्विटी के अंतर्गत आयोजित किए जाने कार्यक्रमों को नियमित समीक्षा है। जिला स्तर पर समूह गठन किया जाएगा, जिला संदर्भ समूह के अध्यक्ष डाइट प्राचार्य होंगे, ओके। और आगे संस्थान एवं सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, समूह में अन्य विभाग पुलिस ICDS माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधित्व के सदस्य होंगे। इसके अलावा 2 सक्रिय खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा जेंडर इक्विटी के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर, 2 KGBVK के वांडर्स तथा जनपद स्तर पर सक्रिय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति लगभग 20 सदस्य होगी। जिला संदर्भ समूह में नियमित बैठकें कराना व कार्य वृत्त आदि की जानकारी करने की जिम्मेदारी होगी बेस समन्वयक बालिका शिक्षा की, ठीक है। यह अपेक्षा की जाती है कि जिला संदर्भ समूह तत्काल बैठक कर उनके कार्य और दायित्वों को उन्मुखीकरण किया जाए। समूह के सदस्यों के निम्नलिखित दायित्वों के, तो दायित्वों के बारे में भी जान ही लीजिए आप लोग। तो पहला है, दूसरा पेज था ना, काफ़ी चीज़ें होती रहती भाई साहब। तो पहला क्या है, अपने जनपद में बालिका शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करने का, अपने सुझाव देना, योजना को प्रभावित करने में तकनीक का सहयोग, कार्यक्रम का नियमित और संघन अनुसरण तथा क्षेत्र अनुभव बैठक प्रस्तुत करना, नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करना, कार्यक्रम के दौरान उभर कर आ रही कठिनाइयों का निराकरण, अपने जनपद में सफलता मूलक कथाओं को राज्य परियोजना प्रस्तुत करना, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आगे चलते हैं हम लोग। जिला संदर्भ समूह में नामित जेंडर इक्विटी के अंतर्गत प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर, KGB वार्डन और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि टीम को बनाकर कार्यक्रम को प्रभावी अनुसरण हेतु नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण भेजा जाए। इस टीम है ट्रेवल प्लान बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुमोदित करा लिया जाए।
टीम के सदस्य अपनी अखर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उक्त अखर जिला समन्वयक बालिका शिक्षा कंपाइलेशन करते हुए अखर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ता और वित्तीय डीपीओ के स्तर से किया जाए। ब्लॉक स्तर की जो टीम होगी उसको कहेंगे ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप। इसमें देख लीजिए क्या है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है तो हमारी भी सांस फूलने लगती। ब्लॉक स्तर में जेंडर इक्विटी के अंतर्गत कार्यक्रमों का नियमित समीक्षा है तो विकास स्तर खंड स्तर पर क्या क्या होगा देख लीजिए। अध्यक्ष खंड शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नामित सदस्य बालिका और शिक्षा नोडल शिक्षा शिक्षिका होंगे। समूह में अन्य विभागों में पुलिस, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा दो इक्विटी जेंडर जनपद के प्रशिक्षित संदर्भदाता और चार मीनामन सुगमकर्ता केजीबी वार्डन और ब्लॉक स्तर पर सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति लगभग 25 सदस्य होगी। ठीक, ब्लॉक संदर्भ समूह की तत्काल बैठक कर उनके कार्य और दायित्व के संबंध में उन्मुखीकरण के बारे में बात होगी। चलिए आगे चलते हैं। अपने विकास खंड में बालिका शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करना, अपने सुझाव देना, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन है तकनीकी का सहयोग देना, कार्यक्रम का नियमित और सघन अनुश्रवण करना व क्षेत्र में अनुभवों को बैठक में प्रस्तुत करना, नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण पर जाना, कार्यक्रम के दौरान उभर कर आ रही कठिनाइयों का निराकरण करना। तो ये सारे काम हो गए। आगे चलते हैं, स्कूल लेवल पे आ जाते हैं। अपने जनपद की सफलता मूल कथाओं को जिला परियोजनाओं को भेजना, अपने विकासखंड की बालिकाओं की शिक्षा प्रसार प्रचार करना, जिला संदर्भ व ब्लॉक संदर्भ प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित की जाएगी। करना क्या है? जेंडर इक्विटी के अंतर्गत मिशन शक्ति, ये देखिए क्या मिशन शक्ति है, रानी लक्ष्मीबाई परीक्षा प्रशिक्षण है। जेंडर इक्विटी के अंतर्गत नारी शिक्षा चौपाल कार्यशालाओं का आयोजन, DRG एवं BRG के नियमित बैठकों, संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन संबंधित ये चीज़ें होंगी। तो कुल मिला के इसमें करना क्या है? कुल मिला के इसमें करना ये है, स्कूलों में जो आयोजन होने वाला है, हमको लग रहा है ब्लॉक स्तरीय नारी शिक्षा चौपाल के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रधानाध्यापक की कार्यशाला, रानी लक्ष्मीबाई आत्मशिक्षा शिविर प्रतियोगिता व विद्यालय स्तर पर नारी शिक्षा चौपाल गुणवत्ता का आयोजन अपनी देख रेख में कराएं, कार्यक्रम का प्रभावी अनुसरण BRG के सदस्यों के सहयोग प्राप्त करें, आपको निर्देशित किया जाता है। तो कुल मिला के जो है नारी की शिक्षा और आत्मरक्षा, इसी चीज़ पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके इस बारे में संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और वीडियो साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। ठीक है, पैसा वैसा भी वहीं से आने वाला है, कुछ खास नहीं है, सब कुछ समय के हिसाब से ही करना है, किसी भी प्रकार का विचलन या अनियमितता नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों।